नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं सचिन शर्मा। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री श्री बीडी कल्ला। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को हमारे आज के मेहमान के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। बीकानेर के रामपुरिया कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के तौर पर बतौर शिक्षक अपना करियर शुरू करने वाले डॉक्टर बीडी कल्ला छात्र राजनीति में भी शुरू से सक्रिय रहे। वे बीकानेर कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी जीत चुके हैं। 1977 की जनता लहर के बाद हुए 1980 के पहले चुनाव में बीकानेर से कांग्रेस ने एक नए चेहरे के रूप में बीडी कल्ला को टिकट दिया था। इसके बाद लगातार 2018 के विधानसभा चुनाव तक बीकानेर में कल्ला ही कांग्रेस की पहचान बने हुए हैं। आपने लगातार 10 चुनाव कांग्रेस के बैनर तले लड़े। 1993 से 2008 2013 के 3 चुनावों को छोड़कर 7 चुनावों में कल्ला जी ने जीत दर्ज की है। बीकानेर में कल्ला की पहचान एक शिव भक्त के रूप में भी है। शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले श्री कल्ला को कई धार्मिक पाठ कंठस्थ हैं। राजस्थान की राजनीति में बीडी कल्ला उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों रह चुके हैं। आजादी के बाद आज तक पहली बार किसी मंत्री के पास अगर कार्मिक मंत्रालय की जिम्मेदारी रही है तो वह कल्ला ही है। फिलहाल कल्ला के पास में ऊर्जा जलदाय के साथ ही कला संस्कृति पुरातत्व और भूजल विभाग हैं। इससे पहले वे शिक्षा, उच्च शिक्षा, पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों के मंत्री और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो एक बार आपका फिर स्वागत है कल्ला जी हमारे प्रोग्राम में, और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि भारत के किसी भी चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा पानी और बिजली रहता है। राजस्थान में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर कई सरकारें आई और चली भी गई। करीब 2.5 साल से राजस्थान का पानी और बिजली महकमा आपके पास है, तो अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्या राजस्थान इन दोनों ही मामलों में आज आत्मनिर्भर है और भविष्य में यह कहां होगा? राजस्थान जब आजादी के बाद नई करवट लेकर यहाँ प्रजातांत्रिक सरकारें बनी, उस समय आजादी से पहले 13 मेगावाट बिजली पूरे राजस्थान में उत्पादित होती थी, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद मैं बता रहा हूँ कि हमने लगभग 2200 मेगावाट बिजली इन 2.5 सालों में नई पैदा करके और जनरेट की है, और आने वाले समय में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आने वाले 5 सालों में 30,000 मेगावाट बिजली केवल सोलर बिजली के रूप में पैदा करना चाहेंगे। अभी हमने एनटीपीसी से 5,000 मेगावाट सोलर बिजली लगाने का एमओयू साइन किया है। सेकी का 5,000 मेगावाट यूनिट का सोलर एनर्जी का एमओयू पाइपलाइन में है, और इसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर में अनेक लोग सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाने के लिए राजस्थान में आ रहे हैं। हम बहुत शीघ्र अभी सूरतगढ़ में 660 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, तो ये इसका कमर्शियल प्रोडक्शन लगभग जुलाई में शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार ये होने से आप देखेंगे 28,080 मेगावाट बिजली का जनरेशन हम हमारी सरकार के आने के बाद में कर चुके होंगे। इसके अलावा 810 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी के रूप में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा पैदा की जाएगी, और अनेक प्राइवेट सेक्टर के लोग हमारे यहाँ पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि राजस्थान सौर ऊर्जा में एक बहुत बड़े हब के रूप में डेवलप होगा। राजस्थान में सोलर रेडिएशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, और यहाँ 1,42,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। आज की तारीख में राजस्थान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि हम यहाँ राजस्थान में हमारे यहाँ जो बिजली की रेट है, जो हमारी उत्पादन लागत है, वो लगभग 5 रुपए के लगभग आती है, लेकिन हम किसानों को 90 पैसे प्रति यूनिट में बिजली दे रहे हैं। हमारी सरकार के आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि राजस्थान में 5 वर्ष तक हम बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करेंगे, वो हमने नहीं की 2.5 साल में। और ये भी उन्होंने आश्वस्त किया था कि एक वर्ष आपने सौर ऊर्जा वाली बात बहुत अच्छी बोली, उस पर मैंने एक प्रश्न भी तैयार कर रखा है आपके लिए। लेकिन आपने जो आत्मनिर्भर वाली बात बोली है,
राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, आबादी के लिहाज से नहीं है, क्षेत्रफल के लिहाज से है। पहले मध्य प्रदेश था, 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में राजस्थान बन गया। हालांकि आबादी राजस्थान की कम है, लेकिन चूंकि एक बड़ा एरिया है और बहुत सुदूर छोटी छोटी ढालियां हैं, आजादी के 74 साल बाद आज भी राजस्थान के कई गांवों में पानी और बिजली नहीं है, यह फैक्ट है। ऐसे में जब राजस्थान में अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार रही है, तब आपके पास मतलब क्या जिम्मेदारी, अगला एक्शन प्लान, क्योंकि ये आपने जो बोला है आत्मनिर्भर बन चुका है, लेकिन हर गांव के आखिरी गांव के, रेगिस्तान के आखिरी गांव के आखिरी इंसान के घर में भी जब बत्ती जल रही होगी, उसके लिए कितना समय और चाहिए आपकी सरकार? देखिए, हमने राजस्व गांवों में सब जगह बिजली पहुंचा दी और लगभग 1,00,000 ढाणियों में बिजली पहुंचा दी, लेकिन नई नई ढाणियां बनती रहती हैं और नए नए आवास बसते रहते हैं। उसको देखते हुए अभी वर्तमान में सौभाग्य योजना के बाद हमने एक सर्वे करवाया था, तो लगभग 1,00,000 से ऊपर कनेक्शंस और होने बाकी थे। क्योंकि ये सौभाग्य योजना भारत सरकार की योजना थी, हमने भारत सरकार को एस्टिमेट बना के भेजा हुआ है 1,242 करोड़ रुपये का। उसमें 50% पैसा वो देंगे, 50% पैसा हम लगाएंगे। वो सौभाग्य योजना मंजूर हो जाती है तो बचे हुए मकानों को भी, जो आज तक हमारे पास प्रार्थना पत्र आए हुए, हम सबको बिजली प्रदान कर देंगे। जहाँ तक पानी का सवाल है, वर्ष 2024 के अंत तक हर घर में जल कनेक्शन देने की जल जीवन मिशन की योजना है। उसमें 45% केंद्र सरकार, 45% राज्य सरकार और 10% गांव के लोगों का सहयोग है। तो मैं समझता हूँ इसमें ओएनएम का खर्चा यदि हम लोग खर्च करते हैं तो हमारा हिस्सा करीब करीब ये उड़ जाता है 55% से ऊपर, और केंद्र सरकार का खर्चा करीब करीब 35-37% के लगभग होगा। 2013 से पहले राजस्थान में जो भी योजनाएं बनती थी, केंद्रीय सरकार डेजर्ट के लिए, रेगिस्तानी इलाकों के लिए 100% सहायता देती थी, और सामान्य क्षेत्र में 90% हमारे को अनुदान देती थी। लेकिन 2013 के बाद केंद्रीय सरकार ने पहले 60-40 का रेशो तय किया, फिर 50-50 का किया, अब 45-45 का किया है। लेकिन वास्तविक धरातल पर देखा जाए तो 37-38% खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी, और ओएनएम को और हमारे खर्चे को मिलाकर हम करीब करीब 55% के लगभग खर्चा हम करेंगे। आईटी क्रांति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति भारत में लगभग 25 साल पहले आई, और आज हम एक फोन कॉल करते हैं या एक बटन दबाते हैं तो हमारी सारी आवश्यकताएं की चीजें हमारे घर में आ जाती हैं। उस जमाने में हैं हम लोग, लेकिन राजस्थान में आज भी ऐसे दृश्य और तस्वीरें आती हैं जब महिलाएं सिर पे घड़ा लेके कई मील दूर से अपने घरों में पीने का पानी लेकर आती हैं। आज भी ऐसे दृश्य हमें दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है ये दृश्य कब तक दिखना बंद हो जाएंगे? पीने का पानी जो आपने बोला, क्या 2024 डेडलाइन है, उसके बाद से वो दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे? निश्चित रूप से नहीं मिलेंगे। मैं जैसलमेर का और बाड़मेर का प्रभारी मंत्री रहा हूँ। जब मैं मंत्री पद के मुझे चयन हुए थे, मुझे पता लगा कि एक गांव में लगभग 2.5 किलोमीटर दूर से बना पड़ा है, तो मैंने उस न्यूज को पढ़कर, समाचार में आप ताजुब करेंगे कि एक सप्ताह के अंदर अंदर वहाँ ट्यूबवेल बना दिया और महिलाओं को 2.5 किलोमीटर जाना बंद कर दिया। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ हमको मालूम पड़ता है, ऐसी स्थितियों को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत क्या है सचिन जी, कि हमारे यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारतवर्ष का 10.14% है, और भूगर्भ का जल हमारे पास सिर्फ भारतवर्ष का 1.1% है। इसलिए भूगर्भ में जल न होने से सरफेस वाटर की आवश्यकता है। भारत सरकार कई बार कहते हैं नदियों को जोड़ेंगे, हमने उनको ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की योजना 37,200 करोड़ की DPR बनाकर भी है, यदि वो मंजूर कर देते हैं तो राजस्थान के पूर्वोत्तर राजस्थान के 12 जिलों और उनके गांवों को सरफेस वाटर मिल सकता है। आज यूपी और बिहार की स्थिति अलग है, वहाँ एक तो सटे हुए गांव हैं और वहाँ पर एक तरीके से ये कहना चाहिए सरफेस वाटर है, और दूरियां नहीं है। हमारे यहाँ जैसलमेर जिला केरल प्रांत के बराबर है, विधानसभा की सीट केवल 2 है, और गांवों को जोड़ने के लिए आप ताजुब करेंगे कि 50-50 किलोमीटर पाइपलाइन डालनी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में फिर ढाणियों में ले जाओ पानी, और वहां पर
10-20 किलोमीटर और जाना पड़ेगा दूर। ऐसी परिस्थिति में हमने भारत सरकार से ये आग्रह किया है कि हमारे यहाँ राजस्थान को विशेष पैकेज देने की आवश्यकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, घर घर कनेक्शन देने में राजस्थान में खेतों का आकार भी, साइज ऑफ होल्डिंग भी बहुत बड़ी है। एक एक व्यक्ति के पास 5-5 मुरब्बे जमीन है, क्योंकि डेजर्ट है। ऐसी परिस्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता है। वो अभी आपने पानी की बात बोली, मुझे बिजली से एक बात याद आ रही है कि पिछले एक साल में कोरोना काल जो कि चल रहा है 1.25 साल से, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो घरों में बैठ के ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा राजस्थान में भी है, देश के सभी भागों में यही स्थिति है। तो जब बिजली नहीं, आप कह रहे हैं अभी भी बिजली सब जगह नहीं पहुंची, हम पहुंचाएंगे, सोलर पावर की भी आपने बात की, तो राजस्थान की कई डालियों में आज भी बिजली कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट तो दूर की बात है। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन वाले बच्चे हैं, लगभग मुझे लगता है राजस्थान में 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। तो क्या लगता है आपको, जहाँ सीनियर हायर सेकेंडरी और मैट्रिक की पढ़ाई है वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन और विद्युत सब जगह है, केवल सुदूर पूर्व ढाणियों में जिन्होंने कनेक्शन अप्लाई नहीं किए थे सौभाग्य योजना में, वही केवल लगभग पूरे राजस्थान में, आप देखिए कितना बड़ा राजस्थान है, वहाँ बमुश्किल 1 लाख से ऊपर कुछ कनेक्शन बाकी हैं, वो भी सौभाग्य योजना के बाद उन्होंने अप्लाई किए हैं। उनको भी हम कराने की पूरी कोशिश में हैं, और उसमें जो विद्यार्थी हैं उनको कंप्यूटर वगैरह का और डिजिटल एजुकेशन, वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए हमने वहाँ पर ऐसे शिक्षक तैयार किए हैं जो डिस्टेंस पर रखकर और वहाँ कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को पढ़ा देते हैं। तो क्या बच्चों का नुकसान हो रहा है? उन बच्चों का रानियों की स्कूलों में बिजली है, तो क्या वहाँ के ऑनलाइन बच्चे आपके हिसाब से वहाँ ऑनलाइन शिक्षा ले पा रहे हैं बच्चे? उनको इंटरनेट और बिजली की सुविधा है? निश्चित और आम उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे राजस्थान बिजली दे रहा है। हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हैं। रात के वक्त में तो हमारे पास 5-4 हजार मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा रहती है। कि राजस्थान जैसा आप मानते हैं, ऐसा हम भी मानते हैं कि राजस्थान में एक बड़ा पोर्शन रेतीला भी है और वहां धूप की काफी इंटेंसिटी बहुत तेज होती है, लेकिन भारत और राजस्थान दोनों अभी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जितनी संभावना है, क्योंकि हम एक गर्म देश है, हम अभी भी काफी पीछे हैं, उतना हम उत्पादन नहीं कर पाए। तो आपकी क्या योजना है, निवेशकों को आप किस तरीके की संभावना दिखा के आकर्षित कर रहे हैं, इस बारे में हमें बताइए। देखिए, सौर ऊर्जा नीति और हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी हमने लॉन्च की है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसमें काफी सुविधाएं एंटरप्रेन्योर्स को दी है। उन सुविधाओं को देखकर प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सारे लोग इसमें आ रहे हैं। हम राजस्थान में 5 वर्ष तक जो सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पैदा करेंगे उसमें हमने कई प्रकार की छूटें दे रखी है, उन छूटों का लाभ लेकर के राजस्थान में लोग आ रहे हैं। जहाँ तक आपने सौर ऊर्जा के उत्पादन का, पहले कर्नाटक हमसे आगे था, लेकिन हम बहुत शीघ्र देश में सोलर ऊर्जा में नंबर 1 सोलर ऊर्जा जनरेट करने वाले प्रदेशों में से आने वाले हैं। हमारा और उनका बहुत ही परफेक्ट कॉम्पिटिशन चल रहा है, लेकिन जैसे ही सेकी का राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्शन आएगा, हम नंबर 1 होंगे देश भर में सोलर ऊर्जा के प्रोडक्शन में। और जैसा मैंने बताया, आने वाले समय में हम 30,000 मेगावाट बिजली का जनरेशन कर रहे हैं। अभी हमारे राजस्थान में सब प्रकार की बिजली मिला करके और जो हमारे इंटरस्टेट जो समझौते हुए हैं उसको मिला करके 22,000 मेगावाट बिजली हो रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में, जैसा मैंने आपको बताया, हम केवल 30,000 मेगावाट बिजली का जनरेशन सोलर ऊर्जा से करेंगे। तो उस समय आप ये देखिए कि 30 और 22, 52,000 मेगावाट बिजली राजस्थान जनरेट करेगा, और न केवल हम आत्मनिर्भरता तो आज ही प्राप्त कर रखी है हमने, हम सौर ऊर्जा को अन्य प्रदेशों को भी दे पाएंगे। और यही स्थिति रही तो आने वाले वक्त में हम लोग एग्रीकल्चर फीडर को अलग कर रहे हैं। राजस्थान में 15 जिलों को दिन में बिजली देना हमने शुरू कर दिया है। अगले 2 सालों में राजस्थान के तमाम जिलों में हम दिन में किसानों को बिजली देंगे जो उनकी मांग रही है, क्योंकि हमारे अच्छा, पल्लव जी बताइए, आप बता रहे हैं कि आप इतना सरप्लस हैं बिजली में,
और पानी को भी लेके आपकी अच्छी योजनाएं हैं। तो कोरोना काल में लोग जब इतने आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, विपक्ष आपसे कह रहा है कि आप पानी और बिजली के बिलों को माफ क्यों नहीं कर देते, लोगों के पास रोजगार का संकट है, तो क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है लोगों के पानी या बिजली बिल के माफ करने को लेके? ऐसा है, पानी के बिल 15,000 लीटर तक के हैं उसको हमने माफ कर, 15,000 लीटर तक के जिनके बिल हैं उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ कर दिया है। 15,000 लीटर तक कोई खर्च नहीं होगा। अब जो पानी को लग्जरी के रूप में आप जानते हैं इस्तेमाल करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं और पानी का एक तरीके से लग्जरी के रूप में लेते हैं, उनसे तो उनसे भी बहुत नॉमिनल चार्ज ले रहे हैं हम लोग। जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली के भी बीपीएल परिवारों से हम बहुत कम मात्रा में पैसे ले रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको मैंने बताया कि 5 रुपए में बिजली हम देखिए, मैं आपको बताऊं कल्ला जी, ये मेरा निजी अनुभव है, मैं देख रहा हूँ समाज में बीपीएल परिवारों को तो बहुत सुविधाएं हैं आज के डेट में, उन्हें फ्री अनाज भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है। लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी है जिसकी रोजी रोटी छिन गई, रोजगार चला गया उसका, नौकरी धंधे पानी छिन गए, दुकानें बंद हो गई, उसके लिए कोई भी सरकार नहीं सोच रही, उनकी भी स्थिति आज के डेट में बीपीएल जैसी ही है। सचिन जी, 150 यूनिट बिजली जो उपभोग में लेता है उसको हम मात्र 3.5 रुपए में, 4.25 रुपए में बिजली दे रहे हैं, लेकिन जो एसी में रहते हैं अथवा और कोई लग्जरी के रूप में बिजली को इस्तेमाल करते हैं उसमें तो आप जानते हैं कि जब मैंने ये विभाग संभाला था उस समय हमको लगभग 80,000 करोड़ से ऊपर का घाटा मिला था। चीजें भयंकर थी। हमारे आने के बाद में हमने 2.8% चीजें कम की है, 1% चीजें से 350 करोड़ का नुकसान होता है। हमने हर तरीके से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है। किसानों की मांग थी कि हमें कुओं के लिए कनेक्शन दिए जाए, शुरू शुरू में 1 लाख कुओं की घोषणा की गई थी, उसके अगेंस्ट में हमने 1,40,000 कुओं कनेक्शन दिए, फिर 50,000 कनेक्शन देने की घोषणा की, उसकी एवज में 70,000 लोगों को दिए, और अभी चालू वर्ष में भी हम 50,000 कुओं को कनेक्शन देने का लक्ष्य है, लेकिन आप देखेंगे जब जब वर्ष पूरा होगा लगभग 70-75,000 लोगों को एग्रीकल्चर के कनेक्शन हम दे पाए। कल्ला जी, आप धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं और अभी तक आपसे बिजली पानी की बात चल रही थी, थोड़ी राजनीति पे चर्चा करना चाहता हूं मैं आपसे। 2018 में राहुल गांधी के 2 बार हारे नेताओं को टिकट नहीं देने के फॉर्मूले के बाद भी आप अकेले नेता रहे जिसको टिकट दिया गया। न सिर्फ आपको टिकट दिया गया बल्कि किसी और का टिकट, घोषित टिकट काटकर, बीकानेर कांग्रेस शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत का टिकट काटकर आपको टिकट मिला, इसके पीछे की कहानी कुछ हो तो बताइए। कहानी कुछ नहीं थी, मेरी सिंसियरिटी और लॉयल्टी। मेरा जब टिकट कटा तो मैंने कहा मैं इंडिपेंडेंट नहीं लड़ूंगा। आपको याद होगा कि मैंने नहीं लड़ूंगा ऐसा एक इशारा किया था, उसको लेकर बीजेपी ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी, उनसे कहला दिया कि देखो ये भारत माता की जय बोलने से मना कर रहा है। एक आदमी को भारत माता की जय बुलवा दी और मेरी उंगली दिखा दी कि देखो ये मना कर रहा है। तो मैंने इश्यू बना लिया, मैंने कहा मेरी भारत माता की जय बोलने से मना किया तो मेरे को वोट मत देना, और मैं भारत माता के लिए अपनी जान दे सकता हूं तो मुझे वोट देना, असत्य बोलने वालों को वोट मत देना। और पार्टी में जब मैंने नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी से ये कहा कि आपने मेरे को बराबर टिकट दिए, इसके लिए मैं आभारी हूँ और मैं पार्टी के संगठन में जो आप मुझे जिम्मेदारी देंगे मैं काम, तो आपका टिकट कैसे कट गया, 10 जनपद से मेरे से ये पूछा गया। मैंने कहा कि मैं 2 बार चुनाव पीछे हार गया था, डीलिमिटेशन में पहले लगातार जीत रहा था, लेकिन डीलिमिटेशन में बीजेपी ने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसा काटा कि जहां मैं 25,000 से जीतता था वो पूरब में मिला दिया, और जहां जिस क्षेत्र में बीजेपी 17,000 से जीतती थी वो क्षेत्र मेरे इलाके में मिला दिया। और फिर मेरे बहनोई गोपाल कृष्ण जी जोशी जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे राजस्थान के, उनको मेरे सामने खड़ा कर दिया। ऐसी स्थिति में तिबरिए लगा दी बीजेपी ने, फिर भी हमारी बीकानेर की जनता जो है मेरे साथ थी। मैंने कहा मैं इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी ने मेरी बात को ध्यान से सुना और सुनकर मेरे को कहा कि मध्य प्रदेश में जब 3 बार हारे हुए को टिकट दे दे सकते हैं तो आपको भी दे देंगे। फिर मैंने यशपाल जी को टिकट दिलवाया, पूर्व से दिलवाया था, वो तो कुछ दूसरे लोगों ने उनका टिकट, उन्होंने मांगा भी नहीं था। यशपाल जी ने ये लिख के दिया था बीडी गल्ला के अलावा कोई चुनाव यहाँ पे बाजी नहीं मान सकता, और मैंने भी कहा
मैं अभी दो चुनाव हार सकता हूँ, आप देंगे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और नहीं देंगे तो देखिए मेरे जैसा व्यक्ति ऐसा है कि मैं तो चुनाव नहीं भी लड़ता तो मुझे राज्यसभा में पार्टी स्थान देती, मैं इतना सीनियर आदमी हूँ, पार्टी का अध्यक्ष रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो मुझे कहीं मैंने हमेशा सिंसियरिटी और लॉयल्टी से पार्टी की सेवा की है और पार्टी ने इसको रिकॉग्नाइज किया और मुझे टिकट दिया। आप रिइंस्टेट हो जाते हैं, मुझे भी विश्वास है, लेकिन मैं अब आपसे अपने दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब अपने इंटरव्यू अपने आखिरी पड़ाव पर भी आ गया है। करीब 40 साल के राजनीतिक जीवन में आप विवादों से हमेशा दूर रहे हैं, आप पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, लेकिन एक आरोप कांग्रेस के अंदर खाने आप पर कुछ लोग लगाते हैं, कांग्रेस के ही, कि बीकानेर में कांग्रेस को आप और आपका परिवार जेबी संस्था के रूप में चलाता है। जेबी मतलब पॉकेट, अपनी जेबी मतलब अपनी जैसे खुद की आपकी पार्टी है। आपने वहां कभी भी पार्टी के किसी सेकंड लाइन कार्यकर्ता को पनपने नहीं दिया, ऐसा कांग्रेस के अंदर के लोग बोलते हैं, कितनी सच्चाई है इस आरोप में? ऐसा एमएलएज को यूआईटी चेयरमैन बना रहे थे, मैंने भवानी शंकर जी शर्मा को यूआईटी का चेयरमैन बना, हमारे साथ में कोटा में रामकिशन जी को, इधर अपने गंगानगर में को मान सिंह जी देवड़ा को, जोधपुर में यूआईटी का मैंने चेयरमैन, मैंने कार्यकर्ताओं को बनाया, भवानी शंकर जी को बनाया जो फिर जिला प्रमुख बने, जो बीकानेर के जो है यूआईटी के चेयरमैन दो बार रहे। इसी प्रकार मैंने गोपाल जी जोशी जो हमारे साथ कांग्रेस में थे उनको लूणकर का टिकट दिलाया, कोलार से टिकट दिलवाया, और इसी प्रकार जो आप जानते हैं कि मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो मैं मेरा स्थान जब खाली होगा तब भी तो दूसरा आदमी आएगा, और पार्टी में भी आप देखिए यशपाल गहलोत जी को हमने अध्यक्ष बनाया, तो ये भी संस्था कहाँ रही मेरी, मैं तो एमएलए का स्थान ही चुनाव लड़ा हूँ ना, बाकी तो हमने सभी बड़े सभाओं में आए हैं कल्ला जी। लेकिन अच्छा, आपके इतने लंबे अनुभव के आधार पर मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरा आखिरी प्रश्न भी है इंटरव्यू का। 2.5 साल से राजस्थान कांग्रेस गृह युद्ध में लगी हुई है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं, गहलोत और पायलट गुट के चलते राजस्थान कांग्रेस में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। ऐसी परिस्थिति में 2023 में कांग्रेस किस बूते अपना चुनाव लड़ेगी? देखिए हमारी पार्टी में जो भी लोग हैं वो हमारे हाईकमान की बात को सब लोग मानते हैं, तो हर व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है, उस ख्वाहिश को देखते हुए सब अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन फिर हाईकमान जो फैसला देता है वो सबको मान्य होता है। और अभी जो राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत काम कर रहे हैं और जो शानदार बजट दिया है उसके आधार पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी, कांग्रेस मजबूत होगी और थंपिंग मेजोरिटी से वापस सरकार बनाएगी। उसका कारण ये है, राजस्थान में सड़कों का जाल बिछरा है, घर घर पानी को का कनेक्शन दिया जा रहा है, घर घर बिजली, और उसके बाद में हर प्रकार से अभी करीब करीब 1 लाख से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा चुका है और कोविड पीरियड के बावजूद भी डेवलपमेंट के काम निरंतर जारी है। कल्ला जी आपने भी शानदार मैनेजमेंट किया है। कल्ला जी आप पीसीसी चीफ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ रहे हैं, इत्तेफाक से मैं उस समय राजस्थान में था, 2003-04 के आसपास की बात है, मैं आपके देखता भी था आपको काम करते हुए, और तब संगठन दिल्ली से चलता था। अब ऐसा लगता है कि संगठन अपने स्तर पर चल रहा है, लोग प्रदेश स्तर पर ही बंदरबांट करने में लगे हैं। निजी तौर पर आप जब थे तब की कांग्रेस में और आज जो कांग्रेस की हालात है राजस्थान में, उसमें क्या बदलाव महसूस करते हैं, कुछ ये बदलाव हमसे शेयर कीजिए। देखिए हमारे यहाँ हमेशा कांग्रेस में सत्ता का विकेंद्रीकरण रहा है, मैं जब यहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष था तब भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व का हमको बहुत सहयोग मिलता था। मुझे याद है कि मैंने जो कांग्रेस की सदस्यता शुल्क आता है उसका 25% हमको अपनी डीसीसी को देना पड़ता है, 40% हमको देना पड़ता है ब्लॉक को, और 25% पीसीसी, और बाकी का हिस्सा जो है वो एआईसीसी को जाता है। ये जब मैंने सबको दे दिया, हमारी नेता सोनिया जी ने देखा कि पार्टी कैसे चलाएगा, तो हमको हर महीने 2 लाख रुपए का चेक एआईसीसी से आता था, तो बराबर केंद्र का सहयोग पहले भी मिलता था अब भी मिलता है, और प्रदेश स्तर के काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी करती है और एआईसीसी के स्तर के जो भी निर्देश आते हैं उसकी पालना हम करते हैं, डीसीसी करती है, ब्लॉक्स करते हैं।
हमारा जो संगठन है बहुत पुराना संगठन है, इस संगठन ने कांग्रेस को आजादी दिलाई, आजादी के बाद जहां सुई की नोक नहीं बनती थी वहां परमाणु बम इस पार्टी ने के नेताओं ने बना के दिए हैं, देश आत्मनिर्भर बना है, हर दृष्टि से आगे बढ़ा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस संगठन जो है उसमें हर स्तर पर हरेक की बात सुनी जाती है, उसके बाद जो निर्णय हमारा पार्टी नेतृत्व करता है उसको हम सब मानते हैं। कल्ला जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी इस समय जो कांग्रेस में हालात हैं, जिस तरीके से पायलट और गहलोत गुट में झगड़ा चल रहा है, ये सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरे देश की मीडिया में खबरें चल रही है, कुछ विधायक यहाँ से वहां हमला करते हैं, कुछ वहां से यहाँ करते हैं, ऐसा नहीं है भाजपा में भी कलह है, वहां पर भी वसुंधरा राजे का गुट अलग है, बाकी भी है, सब मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब जग जाहिर है, लेकिन सत्ता में रहते हुए जितना इस समय गहलोत और पायलट के बीच में चल रहा है, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को इससे क्या नुकसान होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी में द्वंद जितना है उतना हमारी पार्टी में नहीं। हाँ, ये बात निश्चित है, हर लोग सत्ता में अपनी भागीदारी चाहते हैं, उस बात को लेकर के जो है हमारे केंद्रीय नेतृत्व के सामने एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी जो फैसला करेगी उसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं कह रहा हूँ लगभग एक साल हो गया उस कमेटी को बने हुए, अभी तक कुछ कर नहीं पाई, वो कोई फैसला नहीं दे पाई वो कमेटी। कमेटी वक्तन वक्तन सबको बात कर रही है और उसका समाधान निकल जाएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, तो ईटीवी भारत से बात करने के लिए कल्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से आपसे हमारी बात और मुलाकात आगे भी होती रहेगी। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि इसी तरीके से हम आगे भी और भी महत्वपूर्ण लोगों को आपसे मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद।